मम्मी एक बात बताऊं, वो जो मल्होत्रा अंकल है ना, वो गोलू के पापा। हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो लोग अपना नया घर खरीद रहे हैं। गोलू बता रहा था कि वो जल्द ही अपने नए घर में जाएगा। तुम्हारे पापा अपना घर कभी नहीं खरीदेंगे, उन्हें तो किराए के मकान में रहना अच्छा लगता है। रश्मि भाई, मैंने ऐसा कब कहा कि हम कभी भी अपना घर नहीं खरीदेंगे? कहो अपनी मम्मी से कि आपके पापा बहुत जल्द अपना फ्लैट बुक कराने जा रहे हैं। जाना तो पड़ेगा ना फ्लैट के पास। मैं क्या करूं, तुम तो ऐसे मेरे सर पर चढ़ी हो जैसे मैंने सब कुछ रोका हुआ हो। देखो, बिल्डरों के पास जाना पड़ता है, ऐसे हाथ पे हाथ रखे तो गया तो था, आज गया कल गया परसों गया, मैं क्या करूं जब वो नहीं बता। लेकिन फ्लैट नहीं मिला। ये वकील, कोर्ट कचहरी, इन सब चक्करों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा ठीक है, लेकिन एक वकील तुम्हारा दोस्त भी है ना शर्मा। उपभोक्ता अदालतें सिविल कोर्ट से अलग होती हैं भाई, कंज्यूमर फोरम का रास्ता सस्ता है। अरे भाई राहुल, जीत मुबारक। थैंक्स यार शर्मा भाई, तुम्हारी वजह से मैं जीत सका। राज्य आयोग ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिल्डर को तुरंत फ्लैट का कब्जा देने का आदेश दे दिया, और राज्य आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। मतलब हम जीत गए। मतलब हम जीत गए। ये! हिप हिप, हुरे! हुरे!